अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बखैर वफियत होंगे। लॉकडाउन सातवां डोज है और क्या आपके इलम में है कि बहुत सारे लोग जो है ना परेशानियों में मुब्तला हो चुके हैं, बिलखसूस क्योंकि कुछ डेली वेजिस वाले हजरात हैं वो तो बिल्कुल परेशान हैं। उनके लिए हम दुआ भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उनकी एडजस्टमेंट की जाए। बाद में हम भी देख रहे हैं, आप भी देखें, लेकिन जो इस वक्त सूरत नज़र आ रही है वो थोड़ी सी ख़तरनाक इसलिए है कि गुज़श्ता रोज़ एक कश्मीर कॉलोनी की रिहायशी ने खुदकशी कर ली। अच्छा, उसके मुहरकात मुख्तलिफ सामने आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के खौफ की वजह से और दीगर कई जो है ना बातें हैं, लेकिन मैं खुद वहाँ गया हूँ और उसकी वाइफ से मुलाकात हुई, उसकी वालदा से मुलाकात हुई, उसके बच्चों से मुलाकात हुई, तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसा कोई चीज़ उनमें नहीं थी, लेकिन ख़बरों में ये बताया गया कि ऐसा ही हुआ है कि मुकामी डॉक्टर को उन्होंने जो है ना चेकअप करवाया जिसमें ये सिम्टम्स जो है ना ये लामात ज़ाहिर हो रहे हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो ऐसा भी है, तो सिलसिला कुछ ऐसे है कि अगर उसके घर में फाके ना होते और वो काम पे होता या उसके घर में राशन होता वो कभी खुदकशी साइड नहीं करता, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, दो बेटी हैं और मज़ीद ये है कि अल्लाह उस पर रहमत करे। अच्छा, हम इस वक्त तमाम चीज़ों से बालातर होके जो है ना ये मैं बात कर रहा हूँ, ना ये सियासी और ना ही कोई ऐसी जो है ना इस सूरत हाल में कोई बात करना चाह रहा हूँ जिससे ये तासुर जो है कि हम जो है ना इस लॉकडाउन के ख़िलाफ़ हैं। लॉकडाउन के हक में, लेकिन इनके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ है वो ये है कि उनके घरों पे राशन पहुंचाया जाए जिनके घर डिजर्विंग है। बहुत सारे लोग बेचारे परेशान हैं, मुझे कॉलें आती हैं, मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप मैसेंजर में बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, लेकिन हुकूमत वक्त उनकी मदद नहीं कर पा रही। अच्छा, हुकूमत वक्त को इस वक्त ज़रूरत किन की है? वो एम पी हजरात जो आपने मुंतखब किए वो अभी तक गायब हैं, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, वो मुकामी यूसी मेयर कहीं नज़र नहीं आ रहे, वो मुकामी एनजीओस जो रोज़ लहसुन तेल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बेच रही होती हैं लाइव आके लोगों के अंदर आके, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे। मैं इस वक्त बैरियर टाउन के जो लैंडलॉर्ड ही बोलूँगा, मालिक वही है, मलिक रियाज साहब का जिक्र करना ज़रूर चाहूँगा कि वो इस पूरी सूरत हाल में नज़र नहीं आ रहे। मलिक साहब आप कहाँ हैं? दोबारा आप नज़र आएँ और इन गरीबों बहुत सारे मुखय्यर हजरात जो नज़र आ रहे होते हैं नॉर्मली वो अब नज़र नहीं आ रहे, वो सब कहाँ चले गए? ये एक लम्हा फिक्री है इस मुश्किल सूरत हाल में, जबकि मतलब बहुत सारे जो है ना सियासी बयान दागे जा रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, पीपी ने ये कर लिया, नून ने ये कर लिया, पीटीए ने ये कर लिया, पाकिस्तानी कब बनोगे, कोरोना से फाइट कब करोगे। कोरोना से फाइट करने के लिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे होना पड़ेगा बगैर किसी इस चीज़ के कि कौन सिंधी कौन पंजाबी कौन पठान कौन महाजर कौन, ये सब चीज़ों से बालातर होकर हमें निकलना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये कोरोना हमें हरा देगा और अगर हम हारे तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा। यकीन जानिए ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। बहुत सारे मेरे दोस्त इस वक्त मैदान अमल में लोगों की हेल्प कर रहे हैं और बहुत सारे मेरे मीडिया फ्रेंड्स जो हैं वो हकाई की आगाही के लिए जो है ना सड़कों पे लोगों में मौजूद हैं, लेकिन आज ये भी देखने में मिला कि जो सईद गनी साहब के साथ जिनके साथ एफिलिएशन में थे वो तमाम लोग जो हैं उनके कोरोना टेस्ट किए गए, लेकिन सहाफ़ी जो हजरात उस वक्त अटैच थे उनके साथ नहीं किए गए। ये स्टेन बड़ी ख़तरनाक है। अगर आप सहाफ़ियों को थोड़ी सी भी प्रेफरेंस देंगे या उनको थोड़ी सी सेफ्टी बैग्स या सेफ्टी सूट्स या इस तरीके से चीज़ें अकोमोडेट करेंगे तो मज़ीद अच्छे तरीके से वो काम कर सकेंगे, लेकिन ऐसा देखने में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। लोग परेशान हैं और बिलखसूस जो है ना लॉ एनफोर्समेंट के हिफाजती इकदाम नहीं किए जा रहे, उनकी सूरत वही नज़र आती है, वो वहाँ पर जो है आपको नज़र आ रहे होते हैं सड़कों पर, लेकिन उनके लिए कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए जा रहे। ऐसा ना हो कि लोग तो जो है ना इससे महफूज रहें लेकिन लॉ एनफोर्समेंट के जो लोग हैं वो इससे मुतासिर हों, वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं और इस पाकिस्तान के शहरी हैं, उनके लिए भी हिफाजती इकदाम बहुत ज़रूरी हैं।
आपने देखा होगा कि अभी गुज़श्ता रोज जो है ना अमेरिका में एक बंदे के डॉक्टर के पास हिफाजती ड्रेस ना होने की वजह से वो जिंदगी के बाजी हार गया। बिल्कुल सही है, इन मुश्किल हालात में हमने डट के मुकाबला करना है, डरना नहीं है और इसका मुकाबला करना है कोरोना वायरस का। लेकिन ये कोरोना वायरस उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, जिनको हमने मुंतखब किया वो अपोजिशन में है या रूलिंग में है, वो तमाम लोग नज़र नहीं आ रहे। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से उन तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि जनाब अपने हलकों में जाएं, आपके पास तमाम लोगों का डाटा मौजूद है और साथ आठ मतलब यूँ समझने के 5 बजे तक जो है ना टाइम दिया हुआ सिंह गौर, तो 5 बजे का मतलब ये है कि 5 बजे तमाम ग्रॉसरी स्टोर वगैरह भी सब बंद हो जाएंगे। अगर ये बंद हो जाएंगे तो तमाम जितने भी लोग हैं जो मुकामी पॉलिटिशियन हैं उन सबके पास डेटा मौजूद है कि कौन कौन डिजर्विंग है और कौन कौन इमदाद कर सकते हैं। हामिद लियाकत साहब मैदान अमल में आ चुके हैं, उन्होंने पीटीए के प्लेटफॉर्म से MNA मुंतखब हुए और अपनी ज़ाती सेहत में वो माशाल्लाह स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको खराज तहसीन पेश करूँगा। और बहुत सारे क्रिश्चन मेरे फ्रेंड्स और मेरी नज़र में वो लोग, उन्होंने हेल्प की है बहुत सारे लोगों की, उनके साथ भी मैं गया हूँ, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बला तफरीक बगैर किसी को क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू इन सब चीज़ों से बालाता रोक उन्होंने मदद की है। लेकिन इनके साथ साथ कुछ चीज़ें सामने भी आई हैं कि कुछ हिंदू दोस्त हैं फैमिलीज़ की कॉलें आई मुझे कि जनाब हमें राशन नहीं दिया जा रहा, तो हिंदू भी हमारे मुल्क के शहरी हैं, हमें उनका भी ख्याल करना है। इस वक्त सूरत हाल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन चीज़ों की नहीं है, कोरोना वायरस किसी को भी नहीं देख रहा ना पहचान रहा कि ये कौन है। हमने इन चीज़ों को जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं इनको फॉलो करना है और इनसे मुकाबला करना है। अगर इनसे मुकाबला नहीं करेंगे तो ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल जो है ना पैदा हो जाएगी, और इस ख़तरनाक सूरत हाल से निपटने के लिए एक ही रास्ता है, सेफ्टी प्रिकॉशंस को हम मद्देनज़र रखें। अपने इर्द गिर्द में जो लोग डिज़र्विंग हैं खामोशी से भी खिदमत कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनकी जो है ना वो की जाए तशहीर की जाए और उनको तस्वीरें उनकी अपलोड की जाए, वीडियो अपलोड की जाए कि लें देखें कि हमने फलां की मदद कर दी। ओ भाई ये अल्लाह की रजा के लिए आप कर रहे हो, किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं कर रहे। किसी इंसान को अगर आप खुशी देना चाहते हो तो खामोशी से उसके दरवाजे पर जाओ और वो रख के आ जाओ बगैर किसी सेल्फी के बगैर किसी वीडियो के। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो तमाम लोग जो इस वीडियो को देख कर मुखय्यर हजरात और अपने घरों में बैठे हुए खामोशी से खुदारा वो निकलें मैदान अमल में आए और उन लोगों की हेल्प करें जो डिज़र्विंग है। मेरे साथ इस वक्त इमरान बेग भाई मौजूद हैं जो ड्राइव भी कर रहे हैं और इस सारी सूरत हाल को जो है ना दिखा भी रहे हैं। ये इस पट्टी में लाने का मकसद आपको ये है कि ये मैं आपको दिखा सकूँ कि ये लोग भी इस मुल्क के शहरी हैं लेकिन ये लॉकडाउन का पूरा एहतराम करते हैं और आपको सड़कों पे कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। ये सूरत ये आपके सामने ये देखिए, जैसा कि ये आप देख रहे हैं ये DHA का एरिया है और तमाम लोग अपने घरों में के अंदर मौजूद हैं, कोई आपको रोड पे कोई कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कुछ कच्ची आबादी हैं जिनमें आपको गुरबा नज़र आएंगे और वो रोडों पर नज़र इसलिए आएंगे कि उनके हालात ऐसे हैं कि उनको निकलने मजबूरी है। तस्वीर के दो रुख होते हैं लेकिन हम एक ही दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हम दोनों रुख दिखा रहे हैं। मेरे बड़े मोहतरम सईद गनी साहब के बड़े वेल विशर हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, वो भी मुझे देख रहे हैं। खुदारा आपने जैदी साहब की तो वो पोस्ट लगाई बहुत अच्छा किया, अल्लाह आपको इसका अजर भी दे। लेकिन इसके साथ साथ आपको देखना ये चाहिए कि जो आपके वजीर हैं सिंध के वजीर हैं वो कहाँ हैं और आपके हल्के से मुंतखब और वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। आपके इलम में है सईद गनी साहब इस वक्त कोरोना जैसी मौलिक जो है ना वबा में मुबतला है, उनके लिए दुआ गो कि अल्लाह उनको सेहत तंदरुस्ती दे। लेकिन उनके बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, बहुत सारे सेक्रेटरीज हैं, वो इनकी हेल्प कर सकते हैं, मैदान में आ सकते हैं, देख सकते हैं ये सब चीज़ें। ये पैगाम आज थोड़ा लंबा इसलिए किया है कि संडे है और तकरीबन तमाम जो सरकारी हमारी दोस्त हैं जो मुख्तलिफ शोबा जात में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं वो इस वक्त घरों पर हैं, तो वो भी उम्मीद करता हूँ वो देख रहे होंगे। उनसे भी गुजारिश है कि आपको तो सरकार से जो है ना कुछ मिल जाए।
मैं अपना कैमरा अब इस वक्त जो है ना इमरान बेग भाई की तरफ कर रहा हूँ, जो बहुत ही इन दिनों मुझे गुस्से में नजर आ रहे हैं, और गुस्सा उनका जायज है, गलत नहीं है, क्योंकि जो लॉकडाउन के सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। लेकिन इमरान भाई इस वक्त बहुत परेशान और बहुत ज्यादा इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, बिलखसूस इस कराची के लिए, कि इस पे जो मुखय्यर हजरात हैं वो नजर नहीं आ रहे, तो वो मजीद क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके हाथ में उनकी तरफ कैमरा करने लगा हूँ ताकि वो अपनी ही जुबान में आपको थोड़ा मैसेज दें, और देखने वाले कुछ पसंद करेंगे कुछ ना पसंद करेंगे, लेकिन ये चूर्ण नहीं बेच रहे भाई, ये हम खिदमत के लिए एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं। जिनको समझ आ रहे हैं उनको सलाम, जिनको समझ नहीं आ रहा उनसे गुजारिश है कि अपने अंदर की चीज़ों को उजागर करें, तो इंशाल्लाह आपको ये खिदमत का जज्बा नजर आ जाएगा अपने अंदर और पैदा हो जाएगा। ले जी इमरान भाई से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा बहुत सारा सलाम। हालात बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, हम लोग खुर्रम भाई और मैं डेली निकले होते हैं रोड पे, जिस तरह कल बताया कश्मीर कॉलोनी में हम लोग गए थे। अभी ये शुरुआत है खुदकुशी की सिंध में, जो कराची से आगाज़ हो चुका है इसका। हालात इतने ज़्यादा खतरनाक है कि हम उन लोगों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते जहाँ से राशन के लिए इमदाद के लिए फ़ोन आ रहे हैं। लोगों के घरों में राशन ख़त्म है, लोग फाकों पे मजबूर हो गए। सिंध गवर्नमेंट ने जो हेल्पलाइन नंबर दिया है या जो और कह रहे हैं कि यूसीज में रब्ता करें, कहीं से कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा। लोग फैमिलीज के साथ लोग निकलते हैं तो पुलिस वाले उन्हें मार के और धमका के घर भेज देते हैं। लोगों के घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत शदीद अजियत से गुजर रहे हैं लोग। मुखय्यर हज़रात जो घरों में बैठे हुए हैं, ज़कात खैरात रमज़ान में भी उनको निकालना है, अगर अभी वो पैसे निकाल लेते हैं तो उस पर किसी के घर का चूल्हा जल जाएगा, बहुत सारे लोग खुदकुशी से बच जाएंगे और आप लोगों को दुआएं मिलेंगी। बस ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से। जी तो इमरान भाई की आपने मुख्तसर जो है ना और जामे बड़ी अच्छी बात देखी, उन्होंने तमाम उन लोगों से गुजारिश की है जो रमज़ानुल शरीफ में ज़कात निकालते हैं, और इस मुश्किल घड़ी में भी हम जो है ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, अपनी तरफ से इमदाद दे सकते हैं। और बिलखसूस कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे होते हैं कि रमज़ान में ज़कात निकालनी, तो उनके पास अभी बेहतरीन वक्त है कि वो उन लोगों की मदद करें जो इस वक्त इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। तमाम दुनिया के लिए मैं दुआ करूँ कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुहम्मदिया को और दुनिया में जितने भी बसने वाले जहाँ कहीं भी इंसान है, अल्लाह ताला इस वबा से महफूज रखे, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, और इस मूजी मरज ये जो कोरोना वायरस है इससे हमें निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं की इल्तमास है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।